नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा लिया गया, लेकिन बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ। 75 FIR दर्ज हुए, 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई। मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जैसे खुलासे हो रहे हैं, उसमें केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के संलिप्त होने की संभावनाएं बढ़ते जा रही हैं। और आपको बता दें, समाचार पत्रों में ये सूचना दी गई है कि फिर से पूर्व DGP और तत्कालिक अध्यक्ष SK सिंघल साहब से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि जिस तरह प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन छपाई को लेकर जो ठेका दिया गया था, वो कई सवाल पैदा करते हैं। और हमने भी ये प्रश्न उठाया था कि ईओयू के द्वारा जो है अभी तक केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को क्लीन चिट नहीं दिया गया है, और ये हो नहीं सकता है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को ये पता नहीं होगा कि जिसे वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं क्वेश्चन छपाई का, उस प्रिंटिंग प्रेस कंपनी के पास ना अपना प्रिंटिंग प्रेस है, न ही वेयर हाउस है, न ही लॉजिस्टिक सपोर्ट है, और न ही उसके पास कर्मचारी है। प्रिंटिंग प्रेस के नाम पर बस एक कमरा है। तो आपको बता दें कि इसमें यह संभव ही नहीं है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अधिकारियों को यह नहीं पता हो या फिर यह अनजाने में हुआ हो। उन्हें सारा कुछ पता था, और भले ही इसमें राजनीतिक रसूख के चलते जो है जांच में बात आगे निकल के नहीं आ पा रही हो, लेकिन तार जो है वो CSBC से जुड़े हुए हैं। और समाचार पत्रों में दिया गया है कि DGP साहब से फिर पूछताछ हो सकती है, और होना जरूरी भी है। आपको बता दें, जो खबरें निकल के आ रही है कि कौशिक कर जो है, जो ब्लेसिंग जो प्रिंटिंग प्रेस जो है, ने जेल जाने से पहले ईओयू के अधिकारियों को पूछताछ में कई अहम जानकारी दी है। इसके अलावा कोलकाता के अन्य आरोपियों से भी पुलिस को कई साक्ष्य मिले हैं। कौशिक कर ने ईओयू कालटेक्स ब्लेसिंग सिक्योर के बनने की पूरी कहानी जानी है। उसने किस क्रम से सिपाही बहाली प्रश्न पत्र की छपाई का ठेका लिया, इसके बारे में भी पुलिस को बताया है। इसके अलावा पुलिस ने कौशिक के मोबाइल और खाता का डिटेल भी लिया है। कौशिक और उसके सहयोगी से मिली जानकारी के बाद पुलिस एक बार फिर से केंद्रीय चयन परिषद के तत्कालिक अध्यक्ष पूर्व DGP SK सिंघल से पूछताछ कर सकती है। ईओयू यह जानना चाहती है कि किन परिस्थितियों में महज दो साल पुरानी कंपनी को छपाई का ठेका दिया गया। 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही बहाली की परीक्षा थी और उत्तर सहित पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कि 207 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें सिपाही बहाली का पेपर लीक कराने के लिए संजीव मुखिया अपने साथियों के साथ करीब 10 दिनों तक कलकत्ता में रुका था। इसी दौरान उसने कौशिक के साथ साठगांठ की। सुमन विश्वास SS इंटरप्राइजेज में भी निदेशक है। यह कंपनी ब्लेसिंग को पेपर उपलब्ध कराती है। जब आरोपियों के खाते की जांच हुई, तब पता चला संजीव मुखिया के दो साथियों ने SS इंटरप्राइजेज के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर किए। इसके एवज में कौशिक और सुमन ने संजीव मुखिया को प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर उसके ट्रांसपोर्टेशन तक की जानकारी दी। तो बता दें आपको हम कि पूरी तरह से ये एक षड्यंत्र था। और सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी है कि क्या केंद्रीय चयन परिषद के अधिकारियों को ये बात पता नहीं थी। और ये भी पूरा तरह से संभव है। आपको मैं बता दूं कि बिहार में पूर्व में जो 11,881 सिपाहियों की बहाली हुई है, 8,415 सिपाहियों की बहाली हुई है, उसमें भी पेपर लीक की बातें आई थी, उसमें भी उत्तर वायरल हुआ था, लेकिन उसमें ध्यान नहीं दिया गया। तो एक विस्तृत जांच की ज़रूरत है, और जो भी किंग पिन है, चाहे जो भी इसमें शामिल हो, उन सभी को पकड़ा जाए, सामने लाया जाए, और केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की भी एक अच्छे से जांच जरूरी है। क्योंकि जब तक हम वहां से आश्वस्त नहीं होंगे कि केंद्रीय चयन परिषद से कोई गड़बड़ी हुई है, तब तक हम आगे की परीक्षाओं पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि छात्रों का लगातार ये आरोप रहता है कि गड़बड़ी आयोग स्तर से ही हुई है, और आयोग में आज भी वो लोग मौजूद हैं जो कि इसमें संलिप्त हैं। तो जरूरी है पूछताछ हो, जांच हो, और ये कन्फर्म किया जाए
कि क्या आयोग दफ्तर में भी कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं जो माफियाओं के साठगांठ में हैं और छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आशा करेंगे हम ईओयू मामले की तह तक जाएगी और जो भी गुनहगार होंगे उनको सामने लाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।